नितेश झा ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी सो के उठा ही हूँ और ठंडी टाइप की लग रही है थोड़ा, हमको लग रहा है बाहर में बारिश तो हो रही थी, अभी थोड़ा रुक गया है बारिश, थोड़ा भीग गया है। तो गाइस बारिश ज़्यादा होने की वजह से ट्यूशन बंद हो चुका है। अभी उठाऊँ तो सबसे पहले मुँह धोता हूँ। एक्चुअली गाइस कल रात से ही ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए मैंने कम्बल ओढ़ के सो रहा था। वैसे तो लाइट भी कल रात से ही नहीं, कल शाम से नहीं है, तो लाइट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में भी बारिश हो रहा है। सुबह उठे तो पापा से पता चला है कि कल रात से पानी बारिश हो रहा है, इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही है ना। रात में भी बादल गरजने का इतना आवाज़ आ रहा था ना, बहुत शोर हो रहा था। कैसे की गई तू आज की सुबह में? गिरी ना? हाँ। तो कैसे गिरी? पानी से जा रही थी, ऐसे गिरी। चोट भी लगा ना? तुम हो भी बहुत बदमाश, तुम बहुत बदमाश हो इसलिए गिरी गई। अच्छे से देख के नहीं चल सकती क्या? इस लाइट नहीं है उसकी वजह से पूरा मेरा घर अंधेरा अंधेरा हो चुका है, ग्राउंड का बहुत बुरा हाल हो चुका है। स्लिप इतना कर रहे हैं ना सुबह में, वो छोटी बहन अभिलाषा गिर गई। गाइस देखिए यहाँ पे रोड पर, रोड पे भी पानी लग चुका है, यहाँ पे तो पूरा नदी बन गया है। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है बारिश में आने जाने सब में। गाइस पापा कह रहे हैं कि गाड़ी का एक साइड का स्टैंड धस चुका है, वो भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है जाने के लिए। स्लिप इतना कर रहे हैं ना, देखने जा रहे हैं कि क्या हुआ है, अगर धस चुका होगा तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ठीक ही तो है, नीचे में तो मैंने अप्लाई दिया था, नहीं तो नहीं धसा। मैंने इसे धसने नहीं देने के लिए, हमें याद नहीं था, नीचे में अप्लाई दिया था, तो वो धसा नहीं है, टेढ़ा हो गया थोड़ा हवा की वजह से। तो अभी इसको ठीक करते हैं। अच्छा तो गाइस इसे मैं ठीक कर लिया हूँ, ये सीधा एकदम पूरा स्ट्रेट है। इसको मैं त्रिपाल दिया था, वो हवा की वजह से उड़ के पीछे चला गया है, तो वो मैं पीछे से ला के डाल देता हूँ थोड़ी देर के बाद। अब ये ठीक है, इसे छोड़ते हैं, अभी चलते हैं घर को। घर में दो तीन सामान नहीं है, राशन का वही लेने जा रहे हैं, कल छूट गया था उन्हीं के शॉप पे, तो वो लेके आता हूँ अभी थोड़ी देर में। मैं साइकिल से ही जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पानी लगा रहता है, आपको देखिए गाइस यहीं पे बहुत आगे तक पानी लगा हुआ था, आगे जाते जाते और गहरा हो जाता है, मतलब पूरा कमर तक पानी आ जाता है। तो अभी ये साइकिल ही मुझे पार कराएगा। मैं तो भी एस कॉलेज में पता चला है कि वहाँ पे कोई ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, डमी एडमिट कार्ड। हमारे एक दोस्त है, मतलब हमारे भैया है एक, निर्मल भैया, उन्होंने कॉल करके कहा है कि ट्वेल्थ का डमी कार्ड मिल रहा है। तो हम लोग तो गए डमी कार्ड लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई डमी कार्ड नहीं मिल रहा है, फोवर्ड हो चुका है अपना। तो साथ में सौरभ भैया भी थे, उनको कुछ अपना घर का सामान लेना था, कुछ चप्पल, हाँ चप्पल एक लेना था उनका अपने के लिए। भाई जल्दी कोई पसंद करो, कोई जल्दी पसंद करो भाई। तो फाइनली गाइस मेरे सौरभ भाई ने ये चप्पल पसंद किया है। तू सौरभ भाई सेटिस्फाइड हो ना ये चप्पल लेके? तो गाइस अभी गाँव के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, हवा इतनी तेज बह रही है कि साइकिल चलाने में बहुत दम लग रहा है। तो फाइनली गाइस मैं घर पर पहुंच चुका हूं, पापा को मैंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात हो चुका है, वहां पे गए कॉलेज पे तो नहीं मिला एडमिट कार्ड। तो पापा बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बोले कि जो पहले तुम कॉल करके पूछा क्यों नहीं, तो सॉरी मैंने उनको सॉरी बोल दिया गलती। गाइस आज हमारे घर में लक्ष्मी पूजा है, तो लक्ष्मी पूजा के लिए रस्म बना रही है मखान का खीर। चलिए खीर का रेसिपी देखते हैं।
उबाल लेंगे। अच्छा उबल रहा है दूध अभी? उबल गया है हाँ। उसके बाद मखान को भून करके मतलब मिक्सी में पीस करके हाँ। फिर दूध में डालेंगे एक केला काट ली हूँ केला डाल रही हूँ हाँ। हो जाएगा कि उसके बाद उतरने वाला हो जाएगा उसके बाद चीनी डालेंगे। ओके तो अभी हमें प्यास थोड़ा ज़्यादा लग रहा है अभी तो चलते हैं फ्रिज में से बॉटल निकाल के पानी पीते हैं। अभी जा रहे हैं फूल लेने के लिए वहाँ पे अगर फूल मिला तो ठीक है नहीं तो दूसरे जगह पे भी जाएंगे लेने के लिए फूल। फाइनली गाइस मैं जहाँ पे आया था वहाँ पे हमें फूल मिल चुका है। अभी इसे जल्दी से तोड़ते हैं चलते हैं अपने घर को। गाइस हमें कुछ ज़्यादा फूल नहीं चाहिए था थोड़ा बहुत चाहिए था लक्ष्मी पूजा के लिए वो हमने ले लिया। अब चलते हैं सीधे घर को। गाइस बाहर हो रही है बहुत तगड़े वाली बारिश। मैं खाना खा के आ चुका हूँ। मेरे पड़ोस में रहते हैं भैया उनके यहाँ पे मेरा आज डिनर था तो मैं डिनर करके आ चुका हूँ। अपने घर में थी रश्मि और अभिलाषा दोनों सो गई है। पापा भी बस सोने वाले हैं। माँ बाहर में फ़ोन चला रही है तो मुझे भी बहुत नींद आ रहा है तो मैं अभी सोता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।